प्रभु ने लक्ष्मण जी के प्रति गुरुदेव भगवान से कहा, नाथ लक्ष्मण जी मिथिला दर्शन करना चाहते। तो लक्ष्मण जी दर्शन करना चाहेंगे तो कहेंगे ना, नहीं आपसे कहने में उनको संकोच हो रहा है तो हमसे कह रहे हैं। बाबा ने तो लिखा नहीं, अब ये कह रहे हैं और वो सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं ये सुन रहे हैं, हैं? चलें, कहने की दरकार नहीं। अब बार बार सत्संग सुनते ही तो आ रहे हैं, थोड़ा दर्शन भी कर ले। तो दर्शन के भाव से प्रभु सकोच डर प्रगटन कहे ही, आपकी आज्ञा हो तो मैं ही इनको दर्शन करा लाऊं। अब गुरुदेव भगवान ये सोचने लगे कि ये भी तो साथ आए हैं तो दर्शन कैसे कराएंगे। नहीं, ऐसा कौन सा दृश्य है जो भगवान ने देखा नहीं है? भगवान ने सब देखा है। नीत की रक्षा की गुरुदेव ने और कहा, हे राम जी, आप धर्म के पुल के पालक हैं, भागवतों को प्रेम बस सुख प्रदान करने के लिए आप मिथिला में दर्शन चाहते हैं। बिबस सेवक सुख जहां नगर में कोई भगवान का विग्रह प्रतिष्ठित रखा जाता है अथवा यज्ञ आदि कर्म होते हैं तो वहां शोभा यात्रा निकाली जाती है, विशाल शोभा यात्रा निकलती है, नगर भ्रमण कराया जाता है। क्यों? नगर भ्रमण करने वाले ये बात जाने न जाने, परंतु ये व्यवस्था ऋषि मुनियों ने बनाई है कि जो आकर के यज्ञ में भगवत दर्शन कर पाए सो ठीक। कई लोग ऐसे होते हैं जो जा ही नहीं पाते हैं तो नगर भ्रमण कराने पर दिव्य विग्रह का दर्शन उनको भी सुलभ हो जाता है। इसलिए गुरुदेव भगवान विश्वामित्र राम जी के प्रति कहते हैं, जय देखिया बहु नगर सुख निधान दो, करहु सुफल सबके सुंदर बरन देखा। सबके नेत्रों को धन्यता प्रदान करिए। जाय देखिया बहु, देखाइए नहीं, जाय दिखाया बहु। भगवान का दर्शन जिन नेत्रों से हम करते हैं वो नेत्र धन्य धन्य हो जाते हैं। अच्छा, आपने कभी विचार किया कि बार बार दर्शन का क्यों मन करता है? एक बार कर लिया सो कर लिया। अभी हम लोग जब 22 जनवरी को श्रीधाम अयोध्या जी में ठाकुर के दिव्य प्रतिष्ठा महोत्सव में थे, इतनी भीड़ गलियों में खड़ी थी, अगले दिन तो पुलिस के छक्के छूट गए। वही भगवान, चाहे जब जाके दर्शन कर लो, नहीं नहीं प्रथम दर्शन करना है, पहले ही अपने को करना है। हमको बोले लो आप दर्शन नहीं करेंगे, हमने कहा भीड़ में कहीं जाके मरेंगे? कितने लोग एकदम ठेलम ठेल मचाए थे लोग, अभी उत्सव में जाएंगे दर्शन करके आएंगे।
भगवान तो यही है। भगवान यहां से कहां जाएंगे? भगवान बार बार दर्शन देते, मन करता दर्शन करना चाहिए, इसलिए गुरुदेव कहते हैं सफल करहु सबके नयन सुंदर बदन। अपना ये सुंदर बदन दिखाए कर और सबको धन्य धन्य करिए। गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए दोनों भैया चले। बालक वृंद देखी अति शोभा। बाल समूह राम लक्ष्मण जी को देखा, लगे संग लोचन मन लोभा, लगे संग बीत बसन परिकर कठी भाषा। भगवान का दिव्य स्वरूप माल चारो चाप सोहत हे हरि कंधर बहु विशाला। कमल नयन राजीव नयन सौंदर्य अप्रतिम बदन मयंक तापत्रय दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप से मुक्त कराने वाला भगवान का दिव्य चंद्रमा की ज्योति दिव्यता को भी लज्जित कराने वाला। कननी कनन चितवत चित सोरी जन ले चितवत चित दिव्य भ्रगुटी इधर देखे खींच ले चितवन चारो चितवन चारो भ्रगुटी पर चौतिनि सुभग सिर में चकुंचित के नख सिख सुंदर बंधु शोभासकर सूते। दोनों
दोनों भैया इतने सुंदर हैं, जो देखता है उसके मन को कर्ष लेते हैं, खींच लेते हैं। वय के अनुकूल साथी लोग, बच्चा लोग राम लक्ष्मण प्रभु को संग ले लिए और अपने अपने द्वार घुमा रहे हैं, मिथिला दर्शन करा रहे, जनकपुर दर्शन करा रहे। प्रभु और भैया इतने सुंदर की दिव्य मूर्ति हैं कि जो मिलता है इन्हें में अझुराई जाता है, उलझ जाता है। देखिए, सुंदरता भगवान की अद्भुत भेंट है मनुष्य मात्र को। सुंदरता सबको भगवान नहीं देते हैं, जिसके पुराकृत कर्म श्रेष्ठ होते हैं उसी को भगवान सौंदर्य प्रदान करते हैं, और जिसको भगवान ने सौंदर्य दिया है उसका बड़ा आदर करना चाहिए, भगवान को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। नित्यवुट भगवान ने हमारे कर्म से करुणा करके सौंदर्य हमको दिया है, सौंदर्य का आदर करना चाहिए। जो सौंदर्यशाली है उसको जीवन को बड़े मधुर भगवान की करुणा कृपा की छतरी में आनंद मनाते हुए जीना चाहिए। अभी एक कथा में कहीं था मैं, एक भाई बोले कि महाराज जी सावधान रहिएगा, ये बिटिया फोटो बहुत खिंचाती है, याद है? तो मैं मुस्कुराया, वो चेयर लेके बैठी, रोने लगी। कहे गुरुजी ये हमको ऐसा ही हमेशा बोलते हैं। तो मैंने कहा बेटी देखो, जो सुंदर नहीं होता है उसको सुंदरता से जलन स्वाभाविक होनी ही चाहिए, बुरा नहीं है। जिसके पास जो नहीं है दूसरे के पास वो होगा तो उसको जलन होनी ही चाहिए, होती है नहीं, होनी ही चाहिए। है का नहीं होना ये अपराध है, लेकिन अपने बस में थोड़ी है। जिसको भी भगवान ने सौंदर्य दिया है उसको थोड़ा ढीले ढाले आदमी से दूरी बना के रखना चाहिए, कारण उसको बार बार जलन होती। तो जब ये दिखाई पड़े तो फोटो न लिया करो, दूर रहो इनसे। कहे आज के बाद से ऐसे ही करेंगे हम, मंत्र प्राप्त हो गया। देखो दर्शन का एक विभाग है जिसका नाम है सौंदर्य शास्त्र। आप ये पुष्प देखते हैं, पुष्प कितना सुंदर है, भगवान ने कितना सुंदर सजाया है, इसके पेटल में कैसे सलीके से एक एक पंखुड़ी लगाई गई है। ये तभी तक सुंदर है जब तक आदमी के हाथ में नहीं आया है। अपने सहज स्वरूप में डंठल में जब ये लगा था तो ये कई दिन कई दिवस तक सुंदर ही रहता, लेकिन ये 3.5 हाथ का आदमी जैसे इसको लिया ये बेचारा मुरझाने लगा, धीरे धीरे मुरझा जाएगा। इस टू बी रियलाइज, यानी प्रकृति ने एक एक वस्तु सलीके से लगा रखी है, हमारे उत्पाद के लिए नहीं लगा रखी है। भगवान का सौंदर्य आपको क्या कहें, प्रभु अप्रतिम सुंदर। गोस्वामी जी तो स्तुति में विनय पत्रिका में कितना अद्भुत लिखते हैं। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण, कितना
कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदर पट पीत मानव तरे नौमी जनक सोता। ये भगवान का सौंदर्य है। गोस्वामी जी कितना सलीके से लिखते हैं, नौमी जनक सोता नमन करता हूं, ऐसे प्रभु को नमन करता हूं। इतने सुंदर परमात्मा मिथिला दर्शन करने आए, कितना सौभाग्य है मिथिला वासियों का। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, धाए धाम काम सब त्यागी, मनोरंग निधि।